ये देखिए करवा चौथ का जो तो व्रत है किसके लिए रखा है सचिन कहा से उसका पति हो गया शादी नहीं गुलाम हैदर से तलाक नहीं होश खाने वाले भैंसा खाने वाले सुनो मटन चिकन खाने वाले हेलो वो कभी करवा चौथ का व्रत नहीं रख सकती की भाभी है जब शादी हुई तो भाभी देश ने सब कुछ देख लिया है भारत ने देख लिया हमने इंसानियत की बात करी है नमस्कार आप देख रहे हैं सौगन टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा बात की जाए सीमा हैदर की जी हाँ सीमा हैदर ने जो करवा चौथ का व्रत रखा है और जिस तरह से एपी सिंह की मदर जो है उनके लिए सामान भेजी है सूट से लेकर हर चीज श्रृंगार के सोलह श्रृंगार जिसे कहते हैं पूरा सामान वहीं से आया है और साथ साथ में देखा जाए तो बच्चों के कपड़े और सचिन के कपड़े भी जो है एपी सिंह की मदर ने जो है सीमा को भेजे हैं तो ये बातचीत कर लेते हैं क्या कुछ कहना है क्या कहना ये देखिए करवा चौथ का जो व्रत है किसके लिए रखा है सचिन के लिए सचिन पति है उसका सचिन के लिए उसका पति है क्या भारत में भी शादी से पहले बहुत मैडम मैं मैं फिर मेरी बात आपके चैनल पे मैं हजार बार ये कह सचिन से उसका पति हो गया शादी नहीं गुलाम हैदर ऐसी तो है। तो तो सुनो, तो, तो सुनो मेरी बात का मामला पति चल व्रत रख रही है कोई बात ही करवा चौथ देखो हमारा हिंदू हिंदू समाज हमारा करवा चौथ रखता हमारी बहन बेटी जहाँ भी है हम ठीक है अच्छा है लेकिन वो अभी मैडम एक तो गुलाम हैदर से उसका तलाक नहीं दूसरा नंबर है इससे उसकी शादी नहीं ठीक है और करवा चौथ का भरत है मैडम ये जिस तरह से नोटंगी कर रही है ना पूरा देश इसकी बात को समझ चुका है और क्या सीमा भी समझ चुकी है एपी सिंह और सचिन का तो मैं नाम ही नहीं लूँगा उसने तो बिल्कुल जो ए, अपना और अपने परिवार का जो नाम उसने बदनाम करना था वो कर चुका है और देश का भी कर चुका है ठीक है जी मैं उसके खिलाफ मैं सचिन का तो नाम भी लेना पसंद नहीं करता सही दूसरी बात अब कह रही है करवा चौथ है उसके गिफ्ट आ रहे हैं सब कुछ आ रहा है ये है वो अरे मैडम सुनो ये उसको एक है ना साजिश जिसे साजिश समझ रहे हैं एक लोगों के प्रति अपनी भावना जता रही है कि मैं करवा चौथ का व्रत रख रही हूँ मैं भूखी हूँ मैं प्यासी हूँ हेलो मैडम वो जो गोश खाने वाले भैंसा खाने वाले सुनो मटन चिकन खाने वाले हेलो वो कभी करवा चौथ का व्रत नहीं रख सकती मैडम इस बात को ध्यान रखना और वो अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज से है हमारे हिंदू समाज में वो तब आएगी जब ग़ुलाम हैदर से तलाक होगा सचिन मीणा से सचिन से शादी करेगी साथ फेरे लेगी मीणा समाज में शादी होगी तब हम उसका करवा चौथ का पूरा व्रत हम उसको स्वीकार करेंगे अन्यथा नहीं करेंगे ठीक है आज भी वो जिस तरह से उसकी रगों में खून है वो पाकिस्तान की है हम उसको पाकिस्तानी मांगते हैं उसको हम हिंदू में बिल्कुल हिंदू जो समाज है हमें हमें पूरे भारत ने उसको कोई एग्री नहीं करा है ना ही उसको कोई मान्यता दी है ना ही उसकी कोई शादी उसकी मान्यता की है ना ही उसके बच्चों को बच्चों का जो भविष्य है आज बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रखा है बात आती है फिर वो बच्चों वाली मैडम अरे गुलाम हैदर ने बोल दिया मैडम सच कि आ इंडिया आ रहा हूँ अपने बच्चों की लड़ाई लड़ूंगा और मैंने सीधा सीधा बोला है चैनल से बोला भैया मैं एक भारत का नागरिक गुलाम हैदर का बिल्कुल एयरपोर्ट पे समर्थन माला लेके जाऊंगा और उसका समर्थन करूंगा क्यों करूंगा एक इंसानियत के नाते एक अपने बच्चों की लड़ाई लड़ने भारत आ रहा है और अपने बच्चों को लेके जाएगा और इससे अच्छा कहते ना उसके मैं कहता हूँ अल्लाह खुदा राम रहीम वाली मैं कहता हूँ सच ठीक ठीक है है वो वो उसके दुआ 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 लगेगी 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 हमारे भारत पे अच्छी दुआ आ, जी देखिए तो चलिए आप जाएंगे समर्थन भी करेंगे वो भी सही है लेकिन अभी तक तो सिर्फ एपी सिंह ही जो है सीमा के साथ खड़ा था अब तो एपी सिंह का परिवार भी साथ में खड़ा है जैसे उसकी माता जी जो गिफ्ट भेज रही है और जगह जगह से बहुत लोग जो है भारत के ही तोहफे भेज रही है, उसको करवा चौथ के और कहीं ना कहीं सीमा भाभी सीमा भाभी अरे खाएगी सीमा भाभी भाभी आप भी मैडम का भाभी है जब शादी हो रही है तो भाभी गिफ्ट देना एक बात है ठीक है वो बच्चों को गिफ्ट दे रही है वो उनको दे के आ रहे हैं बच्चों का देखो सुनो गिफ्ट किसको दिया है छोटे बच्चों को ठीक है नहीं नहीं सीमा को और सीमा को, दिया को गिफ्ट दिया है तो किसने दिया है ए पी सिंह ने ए पी सिंह की माँ ने दिया है ठीक है उस माता का मैं बहुत बहुत करूंगा वो हमारी माँ जैसी है माँ ही है समझ लो लेकिन क्या है ए पी सिंह कहाँ चाल चल के माँ से दिलवा रहा है इस तरह से अरे नहीं बनेगी भाई कितनी ताकत लगा ले पूरा देश अभी खिलाफ है उसके ठीक है इस तरह से वो अभी तो मैडम कुछ महीने हुए हैं समय आएगा समय का समय बड़ा बल बलवान होता है आज मैं कहता हूँ एक इंसान का जिसका जिस, जिस इंसान मैडम एक बात मैं चैनल आज, आज मैं बहुत अच्छी बात कहूँगा जब मर्द का आंसू निकलता ना मैडम तो मैडम सामने देखो कहते ना औरत भी दुर्गा है तो मर्द भी एक शेर होता है मैडम जब मर्द का आंसू निकला ना गुलाम हैदर का आंसू निकले हैं तो उसकी सजा उसको मिलेगी मिलेगी परमात्मा भी देख रहा है अल्लाह भी देख रहा है सब देखता है ठीक है, है। उसकी का असर पड़ेगा बिल्कुल पड़ेगा बिल्कुल पड़ेगा जी उसकी बदुआओं का ही पड़ेगा जिस इंसान के आंसू आया है जिस इंसान को दर्द दिया है जिस इंसान को उसने अपने परिवार को तोड़ के आई है जो जिस जिस बाप का जिस बाप से बच्चे छीने हैं उसको माफ मैं कहता हूँ हम तो करेंगे नहीं हमारा भारत तो करेगा ही नहीं लेकिन क्या है एक मैडम ये हमारा ना एक माइंड एक अट्रैक्शन होता है किसी भी चीज को अगर आप किसी चीज़ को नेगेटिव सोचोगे तो उसका कुछ ना कुछ असर दिखता है लेकिन क्या है किसी का दिल तोड़ के आई है किसी का परिवार उजाड़ के आई है किसी का मैं कहता हूँ किसी को नरक में झोंक के आ गई एक बाप मैडम बाप होता है जब जिस जब मर्द रोता है ना तो उसकी जरूर लगती है मैं ये कहता हूँ सीमा हैदर को जरूर लगेगी और उसके पास मैं कहता हूँ उसके बच्चे लौटा दे मैं हम कहते हैं उसके बच्चे लौटाने पड़ेंगे एक बाप है अपने उसके बाप का उसके दर समझो यहाँ से उसको तलाक देगा शादी होगी तब हम उसको मानेंगे कि हाँ भाई ये हमारे हिंदू नि, रीति रिवाज में आ गई है फिर करवा चौथ रखे मैं कहता हूँ जागरण करवाए मैं भी आऊंगा सब आएंगे पूरा हिंदुस्तान उसको शराखों पर रखेगा तो उसके बाद नागरिकता भी मिल जाएगी नागरिकता तब हम दिलवाएंगे नागरिकता, नागरिकता, नागरिकता उसके बच्चे दे एक बाप के बच्चे दे बस हमारा कोई नहीं है रह रा तू शादी कर ले समाज में ठीक है लेकिन एक बाप का दर्श कर उसके सुनो एक तो धोखा दे के आई है सुनो एक तो धोखा दे के आई है धोखा दे के आई कैसे धोखा दे के आइए एक पे एक, एक, एक इंसान जीते जाते इंसान को छोड़ के आई है हम नहीं है मैडम देश ने सब कुछ देख लिया है भारत ने देख लिया हमने इंसानियत की बात करी है हमने किसी किसी भार वाले की बात नहीं करी है ठीक है हमने किसी भार वाले की बात ही नहीं करी कि कौन क्या है कैसे है हमने एक इंसान की बात करी है वो दुनिया में कहीं का था भाई मैं समर्थन कर रहा हूँ मेरा हिंदू समाज मैं सनातन धर्मी हूँ मेरा पूरा सनातन धर्म इसकी मदद करेगा कि एक बाप को उसके बच्चे हम जरूर दिलवाएंगे कोर्ट में भी खड़ाऊंगा दो चार लाख रुपए मेरा लग गया तो मैं भी लगा दूंगा कोई दिक्कत नहीं मैडम भगवान हम ठीक है लेकिन किसी के बच्चे जु, जुदा हुए हैं मैं उसको बिल्कुल मैं उसके खिलाफ हूँ जिस तरह से बात की जाए सीमा हैदर की करवा चौथ का व्रत रख रही है और साथ साथ में जो है बड़ी बड़ी वो एपी पी सिंह की जो माता है वो तोहफे भेज रही है तोहफों के साथ साथ अगर देखा जाए बच्चों के लिए भी उसके लिए वो सबके लिए जो Uh, कपड़े हैं वो भिजवाए जा रहे हैं तोहफे भिजवा रहे हैं देश भर से जो है जगह जगह से जो है तोहफे आ रहे हैं करवा चौथ के जिस तरह से देश समर्थन में है लेकिन हमने बात की तो कहना है एक पिता पिता को उसके बच्चों से मिलवाया जाए पिता की ना ली जाए क्या वाक्य में बदुआ का असर होता है आपकी क्या राय अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ देखते रहिए सौगंध टीवी कैमरा मैन किशन के साथ राधिका शर्मा आप देख रहे हैं सौगंध टीवी सौगंध वतन की